नमस्ते दोस्तों, फार्मानोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपको कुछ आइडिया आ सके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग करके, ये कुछ पैनक्रियाटिक आइसोलेट सेल्स है और यहाँ पे उनके सिक्रीशन जो हार्मोन्स है वो लिखे हैं, तो हमें इनको मैच करना है। तो यहाँ पे ए सेल्स, बी सेल्स, डी सेल्स और पीपी सेल्स, और यहाँ पे हार्मोन है ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमाटोस्टैटिन और अमाइलिन। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। तो देखो यहाँ पे तो मैंने सबके सब सामने ही लिख दिए हैं, पर आपको इसे अच्छे से याद रखना है। ए सेल्स क्या सिक्रीट करता है? ए सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन को। बी सेल सिक्रीट करेगा इंसुलिन को। डी सेल्स है वो सोमाटोस्टैटिन को सिक्रीट करेगा और पीपी सेल्स जो होते हैं वो अमाइलिन को सिक्रीट करेगा। पीपी से याद रख लेना, या अमाइलिन एक पॉलीपेप्टाइड है। डी सेल सोमाटोस्टैटिन को, बी से इंसुलिन, तो ये सभी को पता होगा, फिर ए से होगा ग्लूकागॉन। ठीक है, इस पर ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिवेटेड अट्टापुलगाइट इज एडसॉर्बेंट यूज्ड इन डायरिया, व्हाट इज अट्टापुलगाइट। देखो ये एक्टिवेटेड अट्टापुलगाइट है जो एडसॉर्बेंट करके यूज होता है डायरिया के केस में। तो ये अट्टापुलगाइट किसे कहते हैं ये पूछा है। ऑप्शन में दिया है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, या फिर क्याओलिन, या फिर फुलर्स अर्थ, या फिर सोडियम बिस्मथ सबसैलिसाइलेट। क्या होगा ये अट्टापुलगाइट? तो ये अट्टापुलगाइट होता है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को बोलना है अट्टापुलगाइट करके। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्पाइन डेरिवेटिव हैविंग डायरेक्ट रिलैक्सेंट एक्शन ऑन जीआई स्मूथ मसल, ऐसा कौन सा रिजर्पाइन डेरिवेटिव है जिसका डायरेक्ट रिलैक्सेंट एक्शन होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल पर। ऑप्शन है प्रोपैंथेलिन, डाइसाइक्लोमाइन, मेबेवेरिन या फिर बालसालाजाइड। तो आपको ऐसे सवालों के जवाब देखने हैं। तो ये देखो रिजर्पाइन डेरिवेटिव जो होता है ना वो होता है ये मेबेवेरिन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनो डी ऑक्सी कोलिक एसिड CDCA, चिनो डी ऑक्सी कोलिक एसिड CDCA एंड उर्सो डी ऑक्सी कोलिक एसिड UDCA आर यूज्ड टू ट्रीट, ये दोनों भी जो एसिड है ये किस डिसीज में हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट। तो ऑप्शन दिया है कोलेस्टेरॉल कोलेलिथियासिस के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, या फिर थैलेसीमिया, या फिर माइलोमा में। तो देखो ये दो एसिड को अच्छे से याद रख लेना, चिनोडीऑक्सीकोलिक और यूर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड, ये यूज़ करते हैं कोलेस्टेरॉल कोलेलिथियासिस के लिए। ठीक है, गॉलस्टोन्स होते हैं कोलेस्टेरॉल के, उसे ये कोलेलिथियासिस बोलते हैं। इस लिथ करके जो होता है ना, इसका लिथ का मतलब ही स्टोन होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका मतलब स्टोन होता है, ये याद रख लेना, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। फिर ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ऑटो इम्यून डिसीज होता है, थैलेसीमिया ये ब्लड से रिलेटेड डिसीज है, और माइलोमा एक कैंसर है। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, पर क्वांटिटी उनकी कम होती है, पर आखिरी में स्कोर करने में बहुत काम आते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस किसी से नहीं बनेंगे पर आप लोगों से जरूर बनेंगे।
देखो ये ओल्सालाजाइन कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड। ये ओल्सालाजाइन जो होता है ना बॉयल डिसीज में काम आता है, तो ये ओल्सालाजाइन में कितने 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं? ऑप्शन है 3, 2, 1 या फिर 4। तो देखो दोस्तों ये ओल्सालाजाइन में होते हैं कुल 2 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड, और इन 2 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड में बॉन्ड होता है वो भी पूछ सकते हैं, डायजो बॉन्ड होता है, डायजो बॉन्ड से वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी ड्रग यूज्ड इन मेनियर्स डिसीज इज, तो देखो मेनियर्स डिसीज में कौन सा ड्रग यूज करेंगे? ऑप्शन दिया है लोपेरामाइड, फिनोथायाजीन, सिनारीजीन या फिर नैलॉक्सोन। तो मेनियर्स डिसीज में यूज किया जाता है ये सिनाराजीन करके, सिनारीजीन करके। ठीक है, याद रख लेना इसे। ये देखो ये मेनी मेनियर्स है ना, मेनी मेनी नारी है, ऐसा याद रख लेना, मेनी नारी, नारीजीन होता है सिनारीजीन, ऐसा कुछ तो लिंक बना लो उसके साथ में। ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पढ़ोगे तो भी याद रह जाएगा। बिस्मथ चिलेट्स यूज इन कॉम्बिनेशन रेजिमेंट टू ट्रीट हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ये तो हमें पता है बिस्मथ चिलेट्स हेलिकोबैक्टरी पायरोली के ट्रीटमेंट में काम आता है। व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ बिस्मथ चिलेट्स, तो ये इनका यूज करने से साइड इफेक्ट क्या होगा? ऑप्शन है नेफ्राइटिस, विजुअल इम्बैलेंस, बाल्डनेस या फिर ब्लैकनिंग ऑफ टंग एंड फेसेस। तो बिस्मथ चिलेट से जो भी साइड इफेक्ट होता है वो होता है ब्लैकनिंग ऑफ टंग एंड फेसेस। ठीक है, टंग भी ब्लैक्स होगी और फेसेस भी ब्लैक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रग यूज्ड फॉर जोलिंजर इलीसन सिंड्रोम इज। देखो ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसका सवाल का जवाब तो सभी को पता होगा। ऑप्शन दिया है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ड्रग यूज रहे इन झेड़ी सिंड्रोम, झोलिंजर इलीसन सिंड्रोम। तो इसका सही जवाब होगा ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, होते ना ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल करके, तो ऐसे ड्रग है झोलिंजर इलीसन सिंड्रोम में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम इज साइड इफेक्ट ऑफ, चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम किसका साइड इफेक्ट है? ऑप्शन है जापिर लुकास्ट, ग्रैनी सेट्रॉन, निडोक्रोमिल या फिर अमीलोराइड। तो देखो ये जो भी चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम है ये साइड इफेक्ट होता है जापिर लुकास्ट का। इसे याद कैसे रखोगे? देखो ये चर्च है, चर्क को चर्च बोलना है, चर्च के अंदर क्या होता है क्रॉस होता है, ये स्ट्रॉस को क्रॉस बोल देना, चर्च के अंदर क्या है क्रॉस है। तो ये सब बातें किसके रिलीजन में हो रही है? एक कास्ट के रिलीजन में हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमें क्लियरली याद रह जाएगा, जापिर लुकास्ट तो ये कास्ट हो गई, और कास्ट से हमें चर्च याद रखना है, उसके अंदर क्रॉस होता है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, ये मॉन्टे लुकास से भी साइड इफेक्ट होता है, मॉन्टे लुकास्ट और जापिर लुकास से। देखो आगे पूछा है ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर इज, ल्यूकोट्राइन के सिंथेसिस को इनहिबिट कौन करेगा? ऑप्शन है जाइडोउडीन, जालसिटियाबाइन, जाइलुटोन या फिर जापिर लुकास्ट। तो ये ल्यूकोट्राइन का सिंथेसिस को इनहिबिटर पूछा है, तो इस केस में इसका जवाब होगा जाइलुटोन। ठीक है, अगर ब्लॉकर पूछता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर का तो हमें लिखना था जापिर लुकास्ट या फिर मॉन्टे लुकास्ट, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं वो। यहाँ पे सिंथेसिस इनहिबिटर पूछा है तो जाइलुटोन लिखना है, सिंथेसिस से रिलेटेड कौन होगा? जाइलुटोन होगा। फिर आगे का क्वेश्चंस देखते हैं,
देखना दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जनरल साइंस की स्टडी जो भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 10 मार्क आने वाले हैं, तो उसके स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे वो हम इस अलग चैनल पर अपलोड करेंगे। यहाँ वो वीडियोस आपको अपलोड करके नहीं मिलेंगे, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसका नाम है नीट साइंस स्कॉलर्स करके। इसमें हम सारे जो भी है लूसेंट, मनोहर पांडे और CBSE NCERT से और अलग अलग रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जो भी नोट्स बनाएंगे ट्रिक्स के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, बॉम्ब्यूटरॉल इज अ प्रोड्रग ऑफ, बॉम्ब्यूटरॉल किसका प्रोड्रग है? ऑप्शन दिया है साल्ब्यूटामॉल का, टर्बुटालिन का, साल्मेटेरॉल का या फिर मॉन्टेलुकास्ट का। ये बॉम्ब्यूटरॉल किसका प्रोड्रग होगा? ये होता है टर्बुटालिन का प्रोड्रग होता है। ठीक है, बॉम्ब्यूटरॉल इज अ प्रोड्रग ऑफ टर्बुटालिन, बाकी किसी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है उसको। आगे देखो, अ ज़ांथिन ड्रग यूज इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए ज़ांथिन ड्रग यूज किए जाते हैं, तो नीचे दिए गए में से कौन सा ड्रग होगा? रिप्रोटेरॉल होगा, साल्ब्यूटामॉल होगा या फिर पेनिसिलामाइन होगा या फिर अमाइनोफाइलिन होगा। तो ये देखो, ये ज़ांथिन जो भी होते हैं ना डेरिवेटिव, तो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब भी आपको आ जाएगा, इसका जवाब है अमाइनोफाइलिन, थियोफाइलिन, ब्रोमोफाइलिन, ऐसे जो भी ड्रग है ना फाइलिन करके, तो ये होते हैं इसमें ज़ांथिन में। ठीक है, आगे चलना है। देखो, पूछता है ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर इज, इसको शॉर्ट करोगे तो GCSF कौन है? ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर इज, ऑप्शन दिया है फिलग्रास्टिन, ई पोएटिन, मोलग्रास्टीम या फिर थ्रोम्बोपोएटिन। तो इसका जवाब होगा फिलग्रास्टीम। ठीक है, फिलग्रास्टीम और ये लिनोग्रास्टीम जो होते हैं ना, लिनोग्रास्टीम करके, ये दो ड्रग होते हैं ये GCSF करके, और ये जो मोलग्रास्टीम होता है ना वो होता है ग्रैन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, GMCSF पूछेगा तो मोलग्रास्टिम करना है, GCSF लिखेगा तो ये दोनों आएंगे, फिलग्रास्टिम और लिनोग्रास्टिम। ये ई पोएटिन होगा, इरिथ्रोसाइट से रिलेटेड होगा ये, और ये थ्रोम्बोपोएटिन जो प्लेटलेट बढ़ाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस इनहिबिटर एंड थ्रोम्बोक्सेन रिसेप्टर ब्लॉकर यूज एज एंटी प्लेटलेट ड्रग इज। ठीक है, एंटी प्लेटलेट ड्रग में थ्रोम्बोक्सेन के जो भी सिंथेसिस है उसको इनिबिट करना होता है, और थ्रोम्बोक्सेन को सिंथेसिस और उसके रिसेप्टर को भी ब्लॉक करने वाला ऐसा कौन सा एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो ये थ्रोम्बोक्सेन होता है ना, थ्रोम्बोक्सेन करके, ये थ्रोम्बोक्सेन टू। ठीक है, ये थ्रोम्बोक्सेन टू को जो भी इनिबिट करेगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन दिया है क्लोपिडोग्रेल, रिडोग्रेल, एप्टिफाइवेटाइड या फिर इपोप्रोस्टेनॉल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा रिडोग्रेल करके। ठीक है, ये तो ग्लाइको प्रोटीन जो भी होता है ना, 3-8-3-B2A करके जो होता है उसे इनिबिट करता है ये क्लोपिडोग्रेल। नहीं, क्लोपिडोग्रेल, ठीक है आपने देख लेना है इसको। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर भी एक MCQ बना देंगे, जो भी बाकी बचे ड्रग है। इपोप्रोस्टेनॉल तो लास्ट स्टेज पे इनिबिट करेगा। ठीक है, इस सवाल का जवाब होगा रिडोग्रेल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अभी। डेरिवेटिव ऑफ निकोटिनिक एसिड इज, निकोटिनिक एसिड का डेरिवेटिव कौन सा होगा? ऑप्शन ए एसीपी मॉक्स, प्रोब्यूकॉल,
आइसोट्रिटिनोइन या फिर एस्पिरिन। तो निकोटिनिक एसिड जो भी होता है विटामिन B3, तो इसका जो भी डेरिवेटिव होता है वो होता है एसीपीमॉक्स को बोलते हैं, उसको एसीपीमॉक्स बोलना है। ठीक है, ये हम यहाँ पे क्लियर कर दें इस क्वेश्चन को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिरोलिमस इज अ, क्या होता है सिरोलिमस? ऑप्शन है एंटा एसिड, इम्यूनो सप्रेसेंट, एनस्थेटिक या फिर एंटीमेटिक। तो ये जो भी सिरोलिमस होता है वो होता है इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। ठीक है, पोटेंट इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है ये सिरोलिमस। तो ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर किए हैं, ये काफ़ी ट्रिकी है, जो भी फाइनल जो आखिरी मार्क कलेक्शन में बहुत काम आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको अब ये सारे क्वेश्चंस आसान हो गए हैं, बस इसी तरह से फार्माकोलॉजी का भी आपको प्रिपरेशन धीरे धीरे करवाते रहेंगे और आपने भी प्रिपरेशन को जारी रखना है। ठीक है, और अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ और अच्छे सवालों के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।